अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ट्रा ग्राफिक्स चैनल। आज मैं कोई डिज़ाइन या लोगो बनाने नहीं, अलबत्ता पेन टूल के बारे में जो है अहम बातें आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगा कि हम पेन टूल की मदद से किस तरह से कोई भी शेप बना सकते हैं और किसी तरह का कोई भी लाइन जो है, ये कर्व लाइन व्हाटएवर जो भी आप कहते हैं, हम इसके बारे में जो है जानेंगे। उससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। यहाँ पे मैं कुछ आपको अहम पॉइंट बताऊँगा पेन टूल के बारे में। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टूल पैनल है उसमें ये मौजूद एक पेन टूल है, इसका शॉर्टकट की पी है। आप चाहें तो कीबोर्ड से पी प्रेस करते हुए भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से बी डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं आपके सामने एक शेप बनाता हूँ पेन टूल की मदद से, ताकि आपको भी पता चले कि पेन टूल से हम किस तरह की कोई भी शेप हम बना सकते हैं ईजीली। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पत्ता बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से जो है पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए ये शेप बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और अगेन यहाँ पे मैंने इसको ऑलराइट। तो ये बेसिकली एक जो पत्ते का जो शेप है पेन टूल की मदद से तकरीबन मैंने इसको बना लिया है। तो मज़ीद इसमें जो पेन टूल की मदद से हमने बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट पी प्रेस करते हुए पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से मैं इसका फिल ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका जो स्ट्रोक है वो ऑन कर लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। इसके जो हैंडल्स हैं यहाँ से आप इसको पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा शेप दे दूँ। ऑलराइट, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद स्मूथ कर लूँ। स्मूथ टूल पे आ जाएं, अगेन इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक जो मैंने पत्ते का जो एक शेप दिया है पेन टूल से वो किस तरह से दिया है। तो इसमें मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पाथफाइंडर जो पैनल है इस पे आ जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। इसको राइट क्लिक करते हुए अनग्रुप कर लीजिए और यहाँ से भी परफेक्ट है, ठीक हो गया। तो ये एक अलग पार्ट है और बेसिकली ये इसका एक अलग पार्ट है। तो मैं इसको इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर लेता हूँ सेम ऐसे ही। इसको स्ट्रोक ऑफ कर लेंगे और यहाँ से इसको जो पत्ते का जो कलर होता है जैसे इसको थोड़ा सा मैं आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसमें तो अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो हमारा जो शेप था पत्ते का वो रेडी हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हमने पेन टूल की मदद से जो हमने ये पत्ते का जो शेप बनाया है
ये तकरीबन रेडी है, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ मज़ीद इसमें कुछ रियलिस्टिक कुछ लुक लाया जाए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं मज़ीद इसमें पेन टूल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अलबत्ता यहाँ से जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एजेस हम किस तरह से शार्प कर सकते हैं, सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी करूँगा। तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से आर प्रेस कर लीजिए और यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ़, तो ये सी के ऊपर ही पेस्ट हुआ है। तो इसको मैं राइट एरो की एंड डाउन एरो की मदद से 2 टाइम प्रेस कर लेता हूँ, जैसे 1 2 एंड 1 2। तो यहाँ पे मैं इसको दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करते हुए पाथ फाइंडर जो पैनल है इस पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो मुझे बीच की जो लाइन चाहिए थी कर्व, वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसमें कलर वाइट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं पकड़ के सेंटर में फिक्स कर लेता हूँ। राइट क्लिक कर लीजिए और फ्रंट कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी मज़ीद थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ से। परफेक्ट। तो ये हमारा जो है एक पेन टूल की मदद से एक शेप जो है रेडी हो चुका है। तो इसी की मैं जो है मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पहले इसको ग्रुप कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। ऑलराइट, यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ़, तो यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से पकड़ के। और इसका जो साइज़ है वो मैं छोटा कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस कर लीजिए। ऑलराइट, तो ये बेसिकली हमारा जो है एक पेन टूल की मदद से ये शेप रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, कोई भी शेप हम बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर लेता हूँ और वो पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था पेन टूल का, वो ये है कि अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल शॉर्टकट की पी से मैं पेन टूल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जैसे यहाँ से मैं यहाँ तक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक एंकर पॉइंट है और एक ये एक एंकर पॉइंट है। तो ये अगर मैं एंकर पॉइंट के ऊपर मैं लेके आता हूँ पेन टूल को यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि मैं सेम एज इट इज़ यहाँ से भी इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। और अगेन मैं जब इसके ऊपर पॉइंट लेके आता हूँ तो ये आपको इसका मतलब है, यहाँ पे जो आपको छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा इसका मतलब है ये आपस में ज्वाइन हो रहा है, यानी कि जहाँ से आपने पॉइंट स्टार्ट किया था अगेन आप वहाँ पे उसकी एंडिंग कर रहे हैं। तो उसको भी मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ और उसको मैं सेलेक्ट करते हुए एक हमारा शेप जो है एक तैयार हो जाता है पेन टूल की मदद से। इसमें अब आप कोई भी कलर दीजिए, सॉरी यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक ऑफ कर लेता हूँ और फिर तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक और जैसे कि एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से मैं एक पेन टूल की मदद से एक कर्व लाइन ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक कुछ स्टूडेंट्स को मसला ये आता है कि वो कर्व लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो किसी किस्म की कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, बहुत आसान है। जस्ट आपने यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने माउस को का जो बटन है वो आपने प्रेस करके ही रखना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपने मतलब अभी तक उसको डीसेलेक्ट नहीं किया, आपने इसको सेलेक्ट करके ही रखना है और यहाँ से आपने इसको जस्ट रिलीज़ कर लीजिए और अगेन यहाँ से आप कहीं पर भी माउस को सॉरी पेन टूल को लेके जाते हैं तो आपको अगेन वो स्मार्ट गाइड लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ से कर्व, यहाँ से मैं फिल ऑफ कर लेता हूँ और इसमें मैं स्ट्रोक ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। सो ये एक हमारे पास एक कर्व लाइन जो है एक आ चुकी है। तो उसको मैं थोड़ा साइज उसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको यूनिफॉर्म पे आके इसका कुछ इस तरह से इसको कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक कर्व लाइन जो है पेन टूल की मदद से ड्रॉ हो चुका है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम यहाँ पे पेन टूल की मदद से किसी किस्म का कोई भी कर्व लाइन या शेप या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।